देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव की इस मेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्यों, अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरिका कीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ऐसे अद्वितीय राष्ट्र में जन्म लेना और माँ भारती की सेवा का अवसर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित ये अमृत महोत्सव नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का भी संकल्प है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता